नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। मैं मनीष कुमार आपको बता दें, अभी हम जिस जगह पे मौजूद है यह मुजफ्फरपुर का बिखनपुर है और वार्ड नंबर 7 है। हालांकि अभी कुछ हम ऐसी कहानी को लेके आए हैं, ज़्यादातर आप लोग फिल्मों में देखते होइएगा, फिल्मों से जुड़ी एक कहानी जो कहीं ना कहीं यहाँ पे सत्य कहानी है, ये नाटकीय कला काल्पनिक है। सत्य कहानी को लेकर हम आए हैं, जहाँ यहाँ से लगभग 25 साल पहले एक युवक चले जाते हैं और अपने गांव में झोगी बन के आते हैं। उनके माता पिता हैं, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि आखिरकार क्या है, कैसे उन्होंने पहचाने अपने पुत्र को, आखिरकार क्या रहस्य है, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। जी, आपका नाम? कैलाश भगत। कैलाश भगत जी, आपका आपके पुत्र जो यहाँ पे आए हैं झोगी के भेष में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि हम उनको रखना चाहते, लाना चाहते हैं। अब पूछते रहे, उनको खर्चा लग रहा है वो भंडारा के लिए, तो वही खर्चा के लिए हम सबसे जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके पुत्र जोगी के भेष में आए बन के। आपको कैसे पहचाने कि आपके पहचान ही पुत्र हैं? पहचान है कि हमको सकल सूरत से मिल रहे हैं, हमारा नाम ठेकाना अगला बता रहे हैं, गांव के नाम बता रहे हैं, गांव में बहुतों आदमी को पहचान रहे हैं। उनका नाक पर जो से थोड़ा कटा हुआ है, ये सब लेके हमको पहचान मिल रहा है। गाँव में कटल है, सब कटा हुआ है, सब पहचान है। बहुत ऐसा आदमी को नाम वो जानते हैं, पहचानते हैं। उनका जो चेला है, जैसे जैसे पहले काम करते थे ग्रिल गेट अलमीरा का, उस अलमीरा का अथी में जो उनका चेला सब है, वो भी पहचान में है। वो सब उनको पहचानते हैं, सब आदमी पहचान के वो भी बता रहे हैं कि हाँ वही आदमी है। लोगों से क्या हेल्प मांगना चाह रहे हैं? हेल्प मांगना चाह रहे हैं कि उसको जो जहाँ तक लग उसको पूर्ति हो, लोग हेल्प कर देंगे। उसे भंडारा में खर्चा लग रहा है, वो खर्चा हुआ पर पूर्ति करना है। तो 50-60 हज़ार के अनुपन में मामूली से मामूली खर्चा लग रहा है, वही उतना पूर्ति हो जाएगा तो वो भंडारा हुआ हो जाएगा, वो लड़का को छुटकारा हुआ से मिल जाएगा। कितने आपका लड़का है? लड़का दो है, ये सबसे बड़ा लड़का है। हाँ, एगो छोटा है, वो सबसे बड़ा लड़का ही है। सबसे बड़े लड़के हैं वो आपके, और जोगी बन के लौटे हैं। हाँ, आप लोग से भिक्षा लेने के? हाँ, जोगी बन के लौटे हैं। तो हम लोग भिक्षा तो नहीं दिए उनको, उनको लाने का पर्पस में जो कैसे हम लोग उनको लाए, यहाँ लाए। अब वो भी आने के लिए तैयार है, वो भी आने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं जो हमको वहाँ भंडारा करा देंगे, हमारा गुरु महाराज वहाँ से विदाई कर देंगे, तो हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ रहने के लिए वो अगला तैयार है, सब कुछ में तैयार है। यही है तो समाज हमको जो मदद कर दे। समाज से आप लोग मदद चाहते हैं? हाँ। कहीं नहीं, समाज आपको मदद करे। इनकी माता भी हैं, इनसे माता से बात करेंगे। जी माता जी, आप कुछ बताइएगा। बताओ जी, हमारा बेटा को छोड़ावे के लिए। बेटा को छोड़ाना है? हाँ। क्या लगता है, लोग मदद कर रहे हैं? हाँ, मदद कर रहा, कैसी तो मदद, तमाम बेटा को छोड़ा के लाए बेटा, क्या मांग कर रहे हैं अपने ग्राम समाज से? मांग करी जो हमारा मिल जाए तो हम बेटा को छोड़ा के लाए, पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा मिला, छोड़ा के लाए, हम घर में रखे तो बनाए तो रह, हम देखभाल वो 26 साल लगभग हो गया था। जगत कुमारे लड़का है, जगत भगत नाम है, वो यहाँ पहले काम करता था और कैलाश भगत के लड़का है। तो संजोग से चलाया, वो लौट किया, जोगी महात्मा में निकल गया था। क्या उसको जैसे माना जा, क्या जैसे माना उसके दिमाग में चला, जो चला गया तो चला गया। अभी उसका उम्र बचा हुआ है, लौट के चला जाता तो अच्छा, अच्छी बात है। कैसे आपको मुलाकात हुई? मुलाकात हुआ जो ये 4-5 दिन पहले वो आया अपने मुजफ्फरपुर जिला में, आया मुजफ्फरपुरा में, अपने मोहल्ला में आया, नाम पूछा, पूछ करके वो आया। क्या नाम पूछा? नाम पूछा जैसे श्याम बाबू ठाकुर से हम भेंट करना चाहते हैं। ओ, आप ही हैं श्याम बाबू ठाकुर? जी जी, मैं ही। तो हमसे बात हुई, भेंट मुलाकात हुआ, देख के रोने लगा, आज हमको अपना दुनिया में बुला लीजिए। ये जो बुला लिया था तो आ गया था, तो कपड़ा उपड़ा उतारो, अपना जो लग जाओ, बाबू माई हेले है, सब कुछ घर द्वार हेले है, अपना घर बसा लो। तो बोला जे नहीं, 2-4 मैंने हमको कुछ काम है, मैंने 40-50 हज़ार रुपये का हमको खर्च है, जो हमको
कोई उपाय करके बुलवा लीजिए। तो हमने यही देखा कि मुखिया को, सरपंच को, सबको, सारे आदमी को जो अपना सूचना दिया, सबको सूचना दिया और उसके प्रक्रिया में लगा हुआ है। आप लोग घर बुला के लाए थे उनका घर दिखाने? नहीं 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 नहीं, वो अपने आया और सब गांव समाज में सबसे भेंट किया। वो अब वो है वैसा ही में है लड़का, वो है मैं पहचान में वही व्यक्ति है। हाँ, वही व्यक्ति नहीं, वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति। हाँ, वो 30 साल के 40 साल के बाद भी आता तो हम उसको पहचान लेंगे। कितना उम्र में वो गए थे घर छोड़कर? लगभग वो 17 होगा, लगभग मान चलिए करीबन मान चलिए ना 17-18 साल के लगभग में उम्र में गया। 18 वर्ष के बच्चा को तो जानकारी होना है ना, 18 साल के जगह उम्र था लगभग। तो अब क्या सोच है लोगों के, क्या आप लोग पूरे समाज का सोच है उसको बुला लेने का? उसके बाबू माए हैं तो खर्चा भी ये लोग तो बहुत, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुश का घर है, इंटर खाने की भी व्यवस्था नहीं है, तो क्या ये पैसा के 50-60 हज़ार रुपया की व्यवस्था कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, इनके पास नहीं होगा, गांव समाज से मदद लेंगे, गांव समाज से चंदा वसूलेंगे। 100 रुपया मात्र 100 रुपया आदमी बैठा देंगे तो ज्यादा पैसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी थोड़ा हमारा समाज जो है मैंने खाली बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। यानी भीखनपुर पंचायत के सारे लोग टोटल करने के काम करेंगे, यही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेल्प होगा, मेरा समाज का लड़का है वो, बिल्कुल मेरा समाज का लड़का है वो, बिल्कुल हेल्प होगा। कि आपको बता दें इनके माता पिताजी से बात किए हैं, जो इनकी स्थिति हमको नहीं लगता है बहुत ही दयनीय है, लोग से समाज से इनके आर्थिक स्थिति का कुछ मदद चाहिए जिनसे वो अपने पुत्र को वापस अपने गांव में ला सके। हालांकि आप देख सकते हैं इनका घर जिस तरीके से आप हमारे विजन में देख सकते हैं, ऐसे में वो लोग भंडारा के लिए इतना मोटा रकम अपने आप नहीं कर सकते, जहाँ तक यहाँ के समाज यहाँ के लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके पुत्र वापस नहीं आ सकते हैं। चलिए हम आपको आगे की भी जानकारी देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। धन्यवाद।